इतिहास की पुस्तक दूसरा भाग अध्याय दो। इतिहास की पुस्तक दूसरा भाग अध्याय दो। मंदिर का बनाना। और सुलेमान ने यहोवा के नाम का एक भवन और अपना राजभवन बनाने का विचार किया, इसलिए सुलेमान ने 70,000 बोझिए और 80,000 पहाड़ से पत्थर काटने वाले और वृक्ष काटने वाले और इन पर 3,600 मुखिए गिनती करके ठहराए। तब सुलेमान ने सोर के राजा हुराम के पास कहला भेजा कि जैसा तूने मेरे पिता दाऊद से बर्ताव किया, अर्थात उसके रहने का भवन बनाने को देवदार भेजे थे, वैसा ही अब मुझसे भी बर्ताव कर। देख, मैं अपने परमेश्वर यहोवा के नाम का एक भवन बनाने पर हूं कि उसे उसके लिए पवित्र करूं और उसके सन्मुख सुगंधित धूप जलाओ और नित्य भेंट की रोटी उसमें रखी जाए और प्रतिदिन सवेरे और सांझ को और विश्राम और नए चांद के दिनों में और हमारे परमेश्वर यहोवा के सब नियत पर्वों में होमबलि चढ़ाया जाए। इसराइल के लिए ऐसी ही सदा की विधि है और जो भवन मैं बनाने पर हूं वह महान होगा, क्योंकि हमारा परमेश्वर सब देवताओं में महान है। परंतु किसकी इतनी शक्ति है कि उसके लिए भवन बनाए? वह तो स्वर्ग में वरन सबसे ऊंचे स्वर्ग में भी नहीं समाता। मैं क्या हूं कि उसके सामने धूप जलाने को छोड़ और किसी मनसा से उसका भवन बनाओ? सो अब तू मेरे पास एक ऐसा मनुष्य भेज दे जो सोने, चांदी, पीतल, लोहे और बैंजनी, लाल और नीले कपड़े की कारीगरी में निपुण हो और नक्काशी भी जानता हो, कि वह मेरे पिता दाऊद के ठहराए हुए निपुण मनुष्यों के साथ होकर जो मेरे पास यहूदा और यरूशलेम में रहते हैं काम करे। फिर लबानोन से मेरे पास देवदार, सनोवर और चंदन की लकड़ी भेजना, क्योंकि मैं जानता हूं कि तेरे दास लबानोन में वृक्ष काटना जानते हैं और तेरे दासों के संग मेरा दास भी रहकर मेरे लिए बहुत सी लकड़ी तैयार करेंगे, क्योंकि जो भवन मैं बनाना चाहता हूं वह बड़ा और अचंभे के योग्य होगा और तेरे दास जो लकड़ी काटेंगे उनको मैं 20,000 कोर कूटा हुआ गेहूं, 20,000 कोर जव, 20,000 बत दाखमधु और 20,000 बत तेल दूंगा। तब सोर के राजा हुराम ने चिट्ठी लिखकर सुलेमान के पास भेजी कि यहोवा अपनी प्रजा से प्रेम रखता है, इससे उसने तुझे उसका राजा कर दिया। फिर हुराम ने यह भी लिखा कि धन्य है इस्राएल का परमेश्वर यहोवा, जो आकाश और पृथ्वी का सृजनहार है, और उसने दाऊद राजा को एक बुद्धिमान, चतुर और समझदार पुत्र दिया है, ताकि वह यहोवा का एक भवन और अपना राजभवन भी बनाए। इसलिए अब मैं एक बुद्धिमान और समझदार पुरुष को, अर्थात हुराम अबी को भेजता हूं, जो एक दानी स्त्री का बेटा है और उसका पिता सोर का था, और वह सोने, चांदी, पीतल, लोहे, पत्थर, लकड़ी, बैंजनी और नीले और लाल और सूक्ष्म सन के कपड़े का काम और सब प्रकार की नक्काशी को जानता और सब भांति की कारीगरी बना सकता है। सो तेरे चतुर मनुष्यों के संग और मेरे प्रभु तेरे पिता दाऊद के चतुर मनुष्यों के संग उसको भी काम मिले। और मेरे प्रभु ने जो गेहूं, जव, तेल और दाखमधु भेजने की चर्चा की है उसे अपने दासों के पास भिजवा दे, और हम लोग जितनी लकड़ी का तुझे प्रयोजन हो उतनी लबानोन पर से काटेंगे और बेड़े बनवाकर समुद्र के मार्ग से जापा को पहुंचाएंगे और तू उसे यरूशलेम को ले जाना। तब सुलेमान ने इस्राएली देश के सब परदेशियों की गिनती ली। यह उस गिनती के बाद हुई जो उसके पिता दाऊद ने ली थी, और वे 1,53,600 पुरुष निकले। उनमें से उसने 70,000 बोझिए, 80,000 पहाड़ पर पत्थर काटने वाले और वृक्ष काटने वाले और 3,600 उन लोगों से काम करने वाले मुखिए नियुक्त किए।